आज मैं रिप्रेजेंट करने वाली हूँ हमारी ओल्ड इज गोल्ड फॉर्च्यूनर। मैंने ना इनको बोला था कि भाई ये गलत चूज मत करो, मेंटेन करने के लिए मैम मेरे को कुछ देने वाली है, पॉलिश वगैरह। Hey guys, my name is Sapna and welcome back to our channel Cast Styling। आज आप फिर से देखेंगे Cast Styling के एक और नई वीडियो, जिसमें आज मैं रिप्रेजेंट करने वाली हूँ हमारी ओल्ड इज गोल्ड फॉर्च्यूनर और ये है 2016 मॉडल। बट आज मैं आपको मिलाना चाहती हूँ इस कार के ऑनर से, मिस्टर मिनाल जी से, जो कि ऑटो जर्नल इंडिया के को फाउंडर भी हैं। और यस, आपने इनके साथ मेरी एक छोटी सी रील तो देखी ही होगी, ठीक है, वो थोड़ी फनी थी। बट यस, ये बेसिकली आए थे यहाँ पे इंटीरियर मॉडिफिकेशन कराने के लिए अपनी कार का लखनऊ से। और जब मैंने इनकी फ़ैन फॉलोइंग देखी ना, बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है इनकी, उसके बाद हम चलते हैं कि आखिर हम लोगों ने इनकी कार का क्या क्या चीज़ें की है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम लोगों ने इंटीरियर मेकओवर किया सर की कार के अंदर, और जो पूरा इंटीरियर कंपनी फिटेड था वो ब्लैक था, बिफोर लुक पूरा ब्लैक था इसका। बट इसको में अब जो कलर दिया गया है ना, मैंने ना इनको बोला था कि भाई ये कलर चूज़ मत करो, क्योंकि मैं होती तो मैं मेंटेन नहीं कर पाती। अब पता नहीं ये कैसे मेंटेन कर पाएंगे, अब तो यही बताइए। एक्चुअली बहुत बोर हो गया था ब्लैक्ड आउट ट्रीटमेंट से। अच्छी थी पहले भी, इंटीरियर्स काफ़ी अच्छी दिखती थी, बट मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज ज़रूरी है, तो हमने इंक्लूड किया वाइट कलर इंटीरियर के लिए। नाउ इट लुक्स गुड, थोड़ा सा और स्पेशियस लग रही है, तो लग रही है, बट मेंटेन करने के लिए मैम मेरे को कुछ देने वाली है, पॉलिश वगैरह, तो मैं दूंगी, बट स्टिल वाइट कलर मतलब देखने में ना इतना प्यारा लग रहा है ना, बट मेरी तो ना हार्ट बीट ही ऊपर नीचे हो रही है, पता नहीं मेंटेन कैसे करेंगे। एनीवेज, तो एक बार लुक दिखा देते हैं, और सर से मैं पूछूंगी, सर की जो सीट्स थी उसकी जो फॉर्मिंग थी वो बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं था सीट्स में, हमने कुछ शेप दी है, तो एक बार सर से पूछते हैं कि वो शेप सर को कैसी लगी। बिल्कुल, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे को लगा काफ़ी फर्म सा हो गया है सीट्स, बट अब जो सीट्स आ गए हैं वो काफ़ी कम्फर्टेबल है, तो मैम ने कुशनिंग दिया है कुछ, एंड इट लुक्स गुड, काफ़ी कंफर्टेबल हो गया पहले से फॉर श्योर, फोम्स भी हैं। एंड मैं एक्चुअली इंस्पायर्ड हो गया था मर्सिडीज़ के कार से, मर्सिडीज़ के ई क्लास में कुछ इसी पैटर्न में आता है, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके थोड़ा सा काम किया गया है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इंटीरियर्स। सो स्टीयरिंग व्हील इज़ समथिंग विच आई लर्न द मोस्ट, स्पेशली ये जो वाइट ट्रीटमेंट किया गया है, मेरे को थोड़ा सा लैंड रोवर से मैं इंस्पायर्ड था, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है लैंड रोवर की कार्स, और इसीलिए मैं चाहता था वाइट एंड ब्लैक के इंटीरियर्स में आए। सो सिमिलरली यहाँ पे भी वाइट पैटर्न में किया है, सपना जी ने रिकमेंड किया, आई लव्ड इट, पियानो ब्लैक कराया यहाँ पे। हाँ, ये पियानो ब्लैक किया है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की तरफ, एंड हॉर्न पैड भी हमने वाइट किया इसके अंदर। यस, सो दिस लुक्स गुड, थोड़ा सा वेलार अगर आपने देखा है तो वेलार का याद दिलाएगी, ये वाला पैटर्न पूरा का पूरा वाइट में पेंटेड है, तो अच्छा लगता है। सो कौन सा पेंट यूज किया है सपना जी? ये लेदर सॉफ्ट फिल कोटिंग है, अगर आप इसको नेल से भी स्क्रैच करने की कोशिश करोगे तो इतनी इजीली स्क्रैच नहीं होने वाले, नॉट अ पेंट, मतलब आप इसको कोटिंग बोल सकते हो, पेंट तो लोग स्प्रे पेंट भी कर देते हैं। okay. इवन मेरे पास अभी एक स्कॉर्पियो आ रखी है जिसमें कस्टमर ने बाहर से काम कराया था, वो पूरा स्प्रे पेंट है, तो ऑब्वियसली अब स्प्रे पेंट आप कराओगे तो उसकी क्वालिटी अलग होगी, इसमें आपको लगेगा भी नहीं कि आपने अपनी कार के अंदर कुछ ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है, मतलब ऐसा लगेगा कि ओरिजिनली ऐसे आया है। डोर ट्रिम्स भी अगर आप देखो तो पूरा का पूरा वाइट फिनिश में है, सो इट लुक्स गुड। एम्बिएंट लाइट मैंने पहले से लगवा रखा था, ए पिलर्स, बी पिलर्स, जितने भी पिलर्स हैं इनफैक्ट वो भी सेम यही पैटर्न में रखा गया है, सेम कलर कराया गया। पहले तो मुझे ये बताओ रूफ को देख के कैसा लग रहा है आपको? रूफ मेरे को ऐसे ही कुछ वेलवेट फिनिश में चाहिए था, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम अप मार्केट सा फील आ रहा है, इनफैक्ट पूरे के पूरे कार से ही वो एक रिच वाइब्स आ रहा है मेरे को, तो मेरे को पसंद आ रहा है। आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लग रहा है। व्हाट अबाउट स्टार लाइटनिंग? स्टार लाइटनिंग में आपने ऐड करा है, जिसके लिए मैंने रूफ एक बार और फिर से ओपन की थी, मतलब पूरी गाड़ी पैक करने के बाद सर का कॉल आया कि अब तो मुझे ना स्टार लाइटनिंग भी चाहिए। मैंने कस्टमर के थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं था कि सेम रखा जाए या ब्लैक कराया जाए या व्हाइट उसको भी करा दें, बट फिर मेंटेन करना और डिफिकल्ट हो जाता है, तो मतलब वो ब्लैक ही करते हैं। सो इसके अंदर हम लोगों ने मल्टी कलर स्टार लाइटनिंग भी इंस्टॉल की है, सर का था कि जैसा मेरा मूड होगा ना वैसे मैं अपने मूड के अकॉर्डिंगली कलर चेंज करता रहूंगा, तो सिंगल कलर तो नहीं चाहिए, मल्टी कलर चाहिए। और देखो इस वक्त लाइटनिंग की वजह से आई डोंट नो कि कैमरा इसकी डेंसिटी को या इसके ब्राइटनेस को जस्टिफाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, अदरवाइज रात को निकलने के बाद प्लीज मुझे कॉल करके जरूर बताइएगा कि बिल्कुल कैसा लग रहा है।
सो स्टार लाइटिंग मल्टी कलर में है और यहाँ पे एक ऐप भी मिल जाता है आपको, लोटस लालटेन करके एक ऐप आता है जिसमें आप मल्टीपल कलर चूज कर सकते हो. तो डिपेंडिंग अपॉन माय मूड मैं चेंज करता रहूँगा. अगर मेरे को सूदिंग चाहिए तो ब्लू रखूँगा, अगर मेरे को डेट पे जाना है रेड रखूँगा. तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है. एंड ये ब्राइटनेस भी इंटेंसिटी भी आप एडजस्ट कर सकते हो. तो लुक्स गुड, प्रीमियम है, अच्छा लगा मेरे को तो. एंड सीट्स में कंफर्ट अब आपको लगा या नहीं लगा पहले तो मुझे ये बताओ. स्पेशली फ्रंट सीट्स में मेरे को ऐसा कुछ चाहिए था, सपोर्टिंग था, शोल्डर सपोर्ट के लिए काफी अच्छा चाहिए था. हाँ, इवन साइड बोल्स्टरिंग काफी इंक्रीज हो गया है तो एक प्रॉपर बकेट सीट वाला फील आ रहा है. काफी टाइम से मैं ये कार चला रहा था, सीट स्टिफ हो गए थे तो अब ऑब्वियसली लॉन्ग ड्राइव कंफर्टेबल होने वाला है. सो आपको ये 90 फ्लोरिंग कैसी लगी है कि पूरा आपका फ्लोर कवर अप है एक फ्लोरिंग से, देन उसके ऊपर आपको मैट्स भी दिए गए हैं. काफ़ी इजी हो जाता है मेंटेन करना इसको. एंड स्पेशली ये ब्लैक में मैंने रखवाया था, मैंने पूछा भी था वाइट में कैसा होगा, फिर मैंने सोचा नहीं दैट विल बी टेरिबल. सो आई एम हैप्पी विद द वर्क डन बाय कार स्टाइलिंग और मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आपको भी अगर आपको आना है और अपने कार्स को थोड़ा सा यूनिक टच देना है, क्योंकि कार इज समथिंग विच यू आर गोइंग टू कीप फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो उसमें नयापन होना चाहिए आई थिंक, और चेंज करते रहो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो या आई लव दिस. सो मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने इनकी सीट के अंदर हमारा जो लेदर यूज़ किया डेट इज़ प्योर लेदर, जिसके अंदर हम लोगों ने अलग से परफोरेशन भी कराया है. और ये ऐसी डिज़ाइन जैसे कि कस्टमर ने बताया था कि उनको ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया था, तो इससे ही मिलता जुलता डिज़ाइन हम लोगों ने इस कार के अंदर उनको दिया हुआ है. पूरा का पूरा वाइट इंटीरियर है इनकी कार का. और अगर मैं डोर की बात करूँ, डोर आप देखिए कि लेदर अपहोल्स्ट्री हम लोगों ने इंस्टॉल की है वाइट थ्रेडवर्क के साथ. रेस्ट इज कम्प्लीटली आपका लेदर सॉफ्ट कोटिंग है. फिनिशिंग आप देख सकते हो. और जैसे ही मैंने बताया कि आप अगर आप नेल से भी स्क्रैच करने की कोशिश करोगे तो ईजिली ये कोटिंग वर्क आपका उतरेगा नहीं. बहुत सिंपल सोबर भी बोल सकते हो, क्योंकि वाइट कलर मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना. बट जब बात हम बात आती है ना मेंटेन की, मैं तो नहीं रख पाती. बट यस, मैंने कस्टमर से कार देखी है कि वो बहुत अच्छे से मेंटेन रख लेते हैं कार को. मुझे ये तो बहुत अच्छा लगा ये इंटीरियर, एंड इवन कस्टमर को भी इंटीरियर बहुत अच्छा लगा. तो गाइस आप बताइए कि आप सभी लोगों को ये वर्क कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा. वर्क पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए. अपने वैल्यूएबल कमेंट्स एंड कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा. और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. लोकेशन के लिए आप नीचे दिए गए हमारे किसी भी आउटलेट पर विजिट करना चाहते हो, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, पटना एंड देहरादून, आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए. वहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, लोकेशन, मोबाइल नंबर, सब कुछ. कॉल करने के लिए कुछ भी क्वेरी करने के लिए जो नंबर हैगा डेट इज़ 7271939393. सो गाइज प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वर्क कैसा लगा. फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय.